राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां और पूरे राज्य की स्थितियां राजनीतिक नहीं, आज राज्य अराजकता की ओर, अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहां पर चरमराई, पूरी तरह से नक्सली संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। PFI जैसे संगठन के पैर और तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। विदेशी घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण बढ़ते चला जा रहा है। पशु तस्करी हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु तस्करी पर रोक लगाने के बजाय कोई उसको न पकड़े इसका निर्देश दे रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसलिए कई ऐसे विषय हैं जो कानून व्यवस्था हमें महिलाओं के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर पूरी तरह से राजनीतिक प्रस्ताव में हमने उनका उल्लेख किया है और साथ साथ में आंकड़े भी हमने दिया है कि इस राज्य में 3 वर्षों में कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार की घटनाएं घटी, जो किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में हत्याएं हो रही है, सबसे ज्यादा इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही है। सबसे ज्यादा 1,78,482 आज संगीन मामले, फौजदारी मामले दर्ज किए गए हैं प्रदेश में। अब तो सरकार, राज्य की सरकार का निर्देश है कि घटना घटे तो FIR मत कीजिए, अगर FIR करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड्स होता है नेशनल रिकॉर्ड, उसमें आप दाखिल नहीं करवाइए। इसलिए आपराधिक मुकदमा चीजें बढ़ते चली जा रही हैं। हर आदमी आज असुरक्षित है, सहमा हुआ है और मैं कह सकता हूं ये जंगल राज है। जंगल राज पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट और थाने की बिक्री हो रही है, नीलामी हो रही है। जहां पर कोयला का क्षेत्र है उस थाने की कीमत की नीलामी की कीमत पड़ी। जहां पर बालू का व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार, वहां पर थानों की नीलामी की कीमत पड़ेगी। अब तो झारखंड में एक बड़ी अच्छी कहावत चल रही है, ये आम आदमी जिस प्रकार से अपने मोबाइल में रिचार्ज कराता है, अब यहाँ पर सरकारी पदाधिकारियों को हर महीने रिचार्ज कराने के पैसे पहुंचाने पड़ते हैं रांची में। तो रिचार्ज सिस्टम है यहाँ। इसलिए पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक स्थितियों के बारे में, विकास की शून्यता के बारे में, हमारे कालखंड में हमारे राज्य की सरकार जब थी, यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस वक्त विकास की गाथा लिखी जा रही। तुलनात्मक अध्ययन लोग कर रहे हैं आज कि उस वक्त की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में कितना मौलिक अंतर है। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के ग्रामीण सड़कों की जो योजनाएं, उसमें राज्य की सरकार अब लेना नहीं चाहती। जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती उसको कहता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। अब उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 119 किलोमीटर इस राज्य की सरकार ने स्वयं कर दिया, क्योंकि मैं पिछले बैकलॉग है हमारे पास, हम बना नहीं पाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।